हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हरवीर पटेल बात करूंगा आपसे इस वीडियो में बाल विकास के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। इस वीडियो में आपको 20 प्रश्न पढ़ने को मिलेंगे, और अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से पिछले वीडियो भी देख सकते हैं। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे। देखिए 20 प्रश्न हैं, और 2011 से 2019 के बीच जो है, चाहे वो सीटेट का एग्ज़ाम हो, टेट का एग्ज़ाम हो, या DSSB का एग्ज़ाम हो, या KVS का एग्ज़ाम हो, तो जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं सभी को मैंने शामिल किया है। शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। पहला प्रश्न है, अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जा सकती है, ये किसने कहा है? मैकडूगल, कूट लेविन, फ्रायड या स्किनर ने? तो देखिए मूल प्रवृत्ति की बात हुई है तो मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया है? मैकडूगल ने। तो आपका ऑप्शन पहला से होगा। अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जा सकती है, ये कहा है मैकडूगल ने। कूट लेविन ने क्षेत्र सिद्धांत दिया है, ठीक है। स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत दिया है, इन्होंने अपने सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए चूहे पर 1938 में और कबूतर पर 1943 में प्रयोग किया था, ठीक है। मनोलैंगिक सिद्धांत जो है फ्रायड महोदय ने दिया था। प्रश्न है, भारत के शैक्षिक इतिहास में किसने प्राथमिक शिक्षा का मौलिक अधिकार संबंधी बिल धारासभा या इंपीरियल काउंसिल में प्रस्तुत किया था? कपिल सिब्बल, जवाहरलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले या अब्दुल कलाम आज़ाद? तो ये थे गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। सी ऑप्शन आपका सही है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा अपसमायोजित बच्चे का लक्षण नहीं है? साथियों से झगड़ा करना, नाखून काटना, भावनात्मक रूप से परिपक्व तुतलाना? तो भावनात्मक रूप से परिपक्व ये जो है अपसमायोजित बच्चे का लक्षण नहीं है, ठीक है। बाकी साथियों से झगड़ा करना, नाखून काटना, तुतलाना ये अपसमायोजित बच्चे के लक्षण के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, मानसिक आरोग्यता का अर्थ है मानसिक स्वास्थ्य के नियमों की खोज करना तथा उसे बनाए रखना, यह कथन किसका है? हेडफील्ड का, ड्राइवर का, कप्पू स्वामी का या इनमें से कोई नहीं? तो ये जो कथन है ये है ड्राइवर का। ड्राइवर कहते हैं मानसिक आरोग्यता का अर्थ है मानसिक स्वास्थ्य के नियमों की खोज करना तथा उसे बनाए रखना। ए माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ, ये जो पुस्तक है ये किसकी है? ड्राइवर महोदय की है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आदत, ज्ञान और अभिरुचियों का अर्जन ही सीखना है, यह कथन किसका है? थंडाई का, क्रो एंड क्रो का, ड्राइवर का, रास का? तो ये कथन है क्रो एंड क्रो का। इसको मैंने याद करने की ट्रिक बताई थी कि कौए की आदत, ज्ञान, अभिरुचियाँ जो है वो काफ़ी अच्छी होती हैं। तो आपका ऑप्शन जो है बी सही होगा। अगला प्रश्न है, जिस वक्र रेखा में प्रारंभ में सीखने की गति तीव्र और बाद में क्रमशः मंद होती जाती है उसे कहते हैं? उन्नतोदर वक्र, नतोदर वक्र, मिश्रित वक्र या वक्र रेखा नहीं होती है? तो देखिए प्रारंभ में सीखने की गति तीव्र, बाद में जो है मंद हो जाती है, तो इस प्रकार का जो आपका वक्र होता है वो होता है आपका उन्नतोदर वक्र, ठीक है। और चार प्रकार के सीखने के वक्र होते हैं, सरल रेखीय वक्र, उन्नतोदर वक्र, नतोदर वक्र और मिश्रित वक्र। मिश्रित वक्र जो आपका होता है वो एस आकार का होता है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए प्रारंभ में सीखने की गति तीव्र और बाद में मंद हो जाती है वो होता है आपका उन्नतोदर वक्र, ठीक है। और ऐसा वक्र जिसमें प्रारंभ में सीखने की गति धीमी बाद में तीव्र होती जाती है वो होता है आपका नतोदर वक्र। मिश्रित वक्र में जो है गति कभी धीमी कभी तेज होती है, ठीक है, मिश्रित वक्र जो है इस टाइप का बनता है। अगला प्रश्न है, मिलान सही नहीं है, SR थ्योरी थंडाई की है, CR थ्योरी पावलाव की है, मनोवृत्ति का नियम जो है सीखने का प्राथमिक नियम है या गौड़ नियम है, बहुकारक सिद्धांत बुद्धि का थंडाई ने दिया है? तो SR थ्योरी थंडाई की है, बिल्कुल सही है। CR थ्योरी जो है पावलाव की है, बिल्कुल सही है। मनोवृत्ति का जो नियम है सीखने का प्राथमिक नियम ये नहीं होगा, बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत जो है थंडाई ने दिया है, बिल्कुल सही है। देखिए मनोवृत्ति का जो नियम है सीखने का प्राथमिक नहीं गौड़ नियम है, और सीखने के जो नियम थे थंडाई महोदय ने दिए थे 8, 3 प्राथमिक थे, 5 आपके गौड़ थे। प्राथमिक कौन से? तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम। और आपके गौड़ नियम कौन कौन से हैं? मनोवृत्ति का नियम, मानसिक क्रिया का नियम, बहुप्रतिक्रिया का नियम, आत्मीकरण का नियम और संबंधित परिवर्तन का नियम, ठीक है, इनको ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला है, मस्तिष्क उद्वेलन तकनीकी का प्रतिपादन किसने किया?
आसबर्न, बाकर मेहंदी, गिलफोर्ड, टोरेंस ने। तो मस्तिष्क उद्वेलन तकनीकी का प्रतिपादन किया था आसबर्न ने। अगला है प्रोजेक्ट मेथड, किसने दिया है? जे ब्रूनर, रिस्क ने, किलपैट्रिक ने या रॉबर्ट ग्लेजर ने? तो प्रोजेक्ट विधि जो है ये दी थी किलपैट्रिक ने। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, प्रोजेक्ट विधि या योजना विधि। अगला है किंडरगार्टन प्रणाली के प्रतिपादक कौन है? आर्म इंगस्ट्रॉम, मॉन्टेसरी, रिस्क, फ्रावेल। तो किंडरगार्टन प्रणाली के प्रतिपादन है यानी प्रतिपादक किया है, सॉरी देखिए प्रतिपादन किया है फ्रावेल ने। अगला है किसके कथनानुसार सीखने की पूर्ण विधि खंड विधि की अपेक्षा निश्चित रूप से अच्छी है? वुडवर्थ, स्टाउट, विलियम जेम्स, स्लिट। क्या कथन है? किसके अनुसार सीखने की पूर्ण विधि खंड विधि की अपेक्षा निश्चित रूप से अच्छी है? तो ये कहा है वुडवर्थ ने। डाल्टन विधि किसने दी है? फ्रॉबेल ने, किलपैट्रिक ने, डाल्टन ने या मिस हेलन पार्कहर्स्ट ने? तो डाल्टन विधि जो है मिस हेलन पार्कहर्स्ट ने दी है। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। प्रोजेक्ट विधि किसने दी है? किलपैट्रिक ने, किंडरगार्टन फ्रॉबेल ने। अगला प्रश्न है किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार सीखने का मतलब ज्ञान निर्माण करना है? स्किनर, पियाजे, वाइगोस्की, रॉस। तो ये कहते हैं पियाजे महोदय, सीखने का मतलब ज्ञान निर्माण करना है। आपका बी ऑप्शन राइट होगा। अगला है मिलान सही नहीं है, स्लाइड प्रोजेक्टर प्रक्षेपण साधन है, टीवी श्रव्य साधन है, आवाज़ रिकॉर्डर श्रव्य साधन है, चार्ट जो है दृश्य साधन है। तो आपका टीवी जो है ये श्रव्य और दृश्य दोनों है, इसीलिए आपका बी सही होगा, यानी मिलान सही नहीं है, कौन सा? बी। बाकी स्लाइड प्रोजेक्टर जो है प्रेक्षण साधन है, आवाज़ रिकॉर्डर श्रव्य साधन है, चार्ट जो है देखने के लिए होता है, तो दृश्य साधन है। अगला है पाठ योजना की पंचपदी प्रणाली के प्रणेता कौन है? हर्बर्ट हैं, किलपैट्रिक हैं, नन हैं, रॉस हैं? तो पाठ योजना की पंचपदी प्रणाली के प्रणेता हैं हर्बर्ट महोदय, पहला ऑप्शन आपका राइट होगा। और पांच पद कौन कौन से? प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना व सहयोग, नियमीकरण और अनुप्रयोग। ठीक है, प्रश्न है पद संवेगात्मक क्रांति किस अवस्था से अधिक जुड़ा हुआ है? अधिक जुड़ा हुआ है, एक शब्द जोड़ लीजिएगा, शैशवावस्था से, किशोरावस्था से, बाल्यावस्था से या प्रौढ़ावस्था से? तो संवेगात्मक क्रांति जो है ये जुड़ा हुआ है आपका किशोरावस्था से। किशोरावस्था का समय 12 से 18 वर्ष का होता है, आपको पता ही होना चाहिए, आंधी तूफान तनाव की अवस्था जो है कहलाती है ये। ठीक है, अगला है स्पिनोजा ने संवेग के कितने प्रकार बताए हैं? 4, 2, 6, 3। तो स्पिनोजा ने जो है संवेग के तीन प्रकार बताए हैं, आपका ऑप्शन जो डी से होगा। कौन कौन से? हर्ष, शोक और इच्छा। ये देखिए जो प्रश्न है एग्जाम में पूछे गए हैं, ये मत सोचिएगा कि मैं ऐसे ही प्रश्नों को ले आता हूँ, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं नए नए क्वेश्चन। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो एग्जाम में पूछा ना गया हो। ठीक है, अगला प्रश्न है जिज्ञासा मूल प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ संवेग है। देखिए मूल प्रवृत्ति का जो सिद्धांत है वो मैकडूगन ने दिया था, इन्होंने 14 मूल प्रवृत्ति और 14 संवेग बताए थे। ठीक है, तो जिज्ञासा मूल प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ संवेग है भय, घृणा, आश्चर्य, भूख। तो ये होगा आपका आश्चर्य। ठीक है, बाल्यावस्था का समय क्या होता है? जन्म से 6 वर्ष, 12 से 18 वर्ष, 6 से 12 वर्ष या 25 से 26 वर्ष का? तो बाल्यावस्था का जो समय होता है आप सभी को पता है 6 से 12 वर्ष का होता है, या कहीं कहीं पर आपको लिखा मिलेगा 5 से 12 वर्ष का। ठीक है, अगला प्रश्न है नैतिक विकास का सिद्धांत जो है किसने दिया है? पियाजे, कोहलबर्ग, कोहलर, स्किनर। तो नैतिक विकास का जो सिद्धांत है ये दिया है कोहलबर्ग ने। ठीक है, और नैतिक विकास का सिद्धांत जो है सिद्ध करने के लिए कोहलबर्ग ने हाइनज की कहानी सुनाई थी। हाइनज या हिंज की कहानी एग्जाम में पूछ लिया था कि हिंज की कहानी जो है किसके सिद्धांत से जुड़ी हुई है, तो कोहलबर्ग के सिद्धांत से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो नैतिक विकास का सिद्धांत जो है कोहलबर्ग ने दिया है। इन्होंने जो है नैतिक विकास के तीन स्तर बताए हैं, कौन कौन से? पूर्व परंपरागत स्तर, परंपरागत स्तर और पश्चिम परंपरागत स्तर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, और पिछले वीडियो देखना मत भूलिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और प्रश्न है आपके लिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आरटीई एक्ट से मैं पूछूंगा प्रश्न आपसे फिर से एक बार, आरटीई एक्ट 2009। देखिए
प्राथमिक स्तर पर जो है, प्राथमिक स्तर पर एक वर्ष में कितने दिन पढ़ाई होगी, एक वर्ष में हाउ मेनी डेज पढ़ाई होगी, ये आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद।